गांधी जी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गांधी जी की आलोचना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने गांधीज्म के रिलेवेंस को देखा, अब यहां पर हम गांधीज्म का क्रिटिसिज्म देखेंगे। दो अलग अलग बातें हैं, गांधी का क्रिटिसिज्म और गांधीज्म का क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो यहां पर हम गांधी का क्रिटिसिज्म नहीं देखेंगे, हालांकि यहां पर जितनी बातें हैं वो सब गांधी के क्रिटिसिज्म में भी आ जाएंगी, लेकिन यहां पर हम जब गांधी का क्रिटिसिज्म करेंगे तो उसमें कुछ उनकी जो पर्सनल बातें हैं वो भी आ जाएंगी, पर यहां हम कर रहे हैं गांधीज्म, गांधीवाद की आलोचना, गांधी जी की आलोचना नहीं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, लिबरल थिंकर्स, गांधी जी को अपनी दृष्टि से देखते हैं, और जहां पर गांधी जी के उनके विचार मेल नहीं खाते तो वो वहां गांधी जी की आलोचना करते हैं। उसी प्रकार समाजवादी चिंतक, मार्क्सवादी चिंतक, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो चिंतक है वो अलग अलग प्रकार से गांधी जी को देखते हैं, और उनकी जो जहां पर उनकी बात गांधी जी से मेल नहीं खाती वहां पर वो गांधी जी की आलोचना करते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, गांधीज्म जो था, इट वॉज नॉट अ कोहरेंट सेट ऑफ आइडियोलॉजी, यानी गांधी जी की जो विचारधारा में कोहरेंसी नहीं है, एक समरसता नहीं है, एक क्रोनोलॉजी नहीं है, कोहरेंसी, ठीक है, किसकी कमी। तो गांधी जी ने खुद कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मेरी कोई आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा मैंने जो इटर्नल ट्रुथ है, जो सभी धर्मों में और दुनिया के सभी समाजों में पाया जाता है, उनको मैंने लोगों के सामने नए तरीके से रखा है, ठीक है। तो पहली जो आलोचना है, और मैं उसकी कुछ तोड़ भी आपको बताने जाऊंगा, ठीक है, कि ये जो जितनी आलोचनाएं हैं गांधी की उथली है, ठीक है, जो गांधी या गांधीज्म को सही ढंग से नहीं जानती उनकी आलोचना है, लेकिन फिर भी हमें अगर आता है कि गांधी जी की कुछ आलोचनाएं लिखी है या गांधीज्म का क्रिटिकल एवेल्युएट कीजिए तो ये सारी बातें हमें लिखनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने एक आइडियोलॉजी दिया, लिबरल थिंकर्स ने एक आइडियोलॉजी दिया, गांधी जी ने अपनी कोई आइडियोलॉजी दी ही नहीं है, तो उसमें कोहरेंसी नहीं होगी, ये बात तय है। तो जो पहली आलोचना है वो सही भी है कि उनमें कोहरेंसी की कमी है, ठीक है, एक के बाद एक पूरा जो लिंक होता है वो उसकी कमी है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा है, समय समय पर उन्होंने जो भाषण दिया, जो उन्होंने लोगों को चिट्ठी लिखी, जो उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपने विचार दिए, उनका मिला जुला सेट है, ठीक है। सर्वोदय के बारे में कभी वो हरिजन पत्रिका में कुछ अलग बात लिखते थे, कभी वो यंग इंडिया में अलग बात लिखते थे, कभी इंटरव्यू में अलग बात बोलते, इस प्रकार से उनका सब मिला जुला सार गांधीज्म कहलाता है, ठीक है। दूसरी हम लोग देखते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं, जिनमें एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है जिनका नाम है हुमायूं कबीर, और हुमायूं कबीर क्या कहते हैं, गांधी वाज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो तो इस बात से इनकार करते हैं कि गांधी जी कोई एक राजनीतिक दार्शनिक या चिंतक थे। उनका कहना है ही वाज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, वो एक महान मनोवैज्ञानिक थे, हु न्यू, जो ये जानते थे द साइकोलॉजी ऑफ मासेस, वो आम जनता की साइकोलॉजी को जानते थे, और इसीलिए मोब मोबिलाइजेशन में, यानी मास मोबिलाइजेशन में, जनता को एकत्र करने में, जनता तक अपनी बात डिलीवर करने में, जनता से अपनी बात मनवाने में वो सक्सेसफुल रहे, अदरवाइज वो कोई बड़े कोई फिलोसफर या कोई थिंकर नहीं थे, ठीक है। तो ये है उनकी दूसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना ये है कि कॉन्ट्रडिक्टरी टू एस्टैब्लिश्ड आइडियाज ऑफ पॉलिटिक्स, गांधी जी के जो विचार है वो वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है पूरी दुनिया में उसके खिलाफ है। कैसे खिलाफ है, जैसे आज की राजनीति कहती है कि आप ट्रूली पॉलिटिकल हो जाओ, धर्म से, इथिक्स से, मोरालिटी से अपने आप को आइसोलेट कर लो, गांधी जी कहते हैं इनका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। गांधी जी कहते हैं राजनीति में केवल और केवल निस्वार्थ सेवा की भाव से जाना चाहिए, राजनीति में जाने वाले लोगों के लिए भी कुछ योग्यताएं, कुछ शर्तें होनी चाहिए, लेकिन आज की डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन सारी बातों को मान्यता नहीं देती, इसलिए आज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आज की राजनीति में गांधी जी के जो विचार है वो कॉन्ट्रेडिक्टरी है। सपोर्ट्स बर्मा सिस्टम एंड स्वदेशी, कुछ थिंकर ये कहते हैं खासकर भारत के रिस्पेक्ट में कि गांधी जी एक तरफ बहुत बड़े सुधारवादी संत बनते हैं, दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था जो कि भारत की एक बहुत बड़ी कुरीति है उनके हिसाब से, उसको गांधी जी सस्टेन करने का, बनाए रखने का गुजारिश करते हैं और अपने सिद्धांतों में इसकी वकालत भी करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार स्वदेशी मूवमेंट भारत के संदर्भ में जब चलाया गया तो उस समय जगदीश चंद्र भगवती करके एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे गांधी जी के समय में, ठीक है, और उन्होंने किताब भी लिखी है इकोनॉमिक्स पर, जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने
गांधी जी की स्वदेशी को क्रिटिसाइज किया है और उससे कहा है कि इससे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उससे प्रभावित होती है, किसी एक देश की अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उस पर कुप्रभाव पड़ता है, ऐसा कहा गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ हिंदू रिलीजन एंड ट्रेडिशंस, कुछ जो इस्लामिक विचारधारा के लोग हैं या जिनको हिंदुइज्म से अदर रिलीजन के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि गांधी जी की पूरी विचारधारा में हिंदुइज्म की विचारधारा ही कूट कूट करके भरी हुई है, इसलिए वो एक उसको सेकुलर या एक ग्लोबल विचारधारा के रूप में गांधी जी के विचार को नहीं मानते और यहां पर गांधी जी को वो रेसिस्ट नस्लवादी होने का आरोप लगाते हैं कि वो अपनी सारी विचारधारा में हिंदुइज्म का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं वो गांधी जी को ये कहते हैं कि गांधी जी मुस्लिम अपीजमेंट करते थे। कैसे मुस्लिम अपीजमेंट करते थे? गांधी जी ने भारत के संदर्भ में यदि देखें तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जो कि इस्लामिक जगत से संबंधित एक आंदोलन था। इसी प्रकार विभाजन के समय में गांधी जी ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, पाकिस्तान का जो को पैसा देना था, पाकिस्तान को जो सपोर्ट देना था उन्होंने विभाजन का विरोध किया। ऐसे तमाम लोग हैं जो ये मानते हैं कि गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाई। ठीक है, तो ये सब अपनी अपनी आलोचनाएं हैं, लेकिन हम लोग आखिरी में देखेंगे कि सारी आलोचनाएं पूरी है बकवास है, उठली है। ठीक है, खैर अभी हम इनको देखते हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन अहिंसा एंड सत्याग्रह, गांधी जी अपने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत में इतने कट्टर थे कि किसी भी कीमत पर अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से समझौता करने वाले व्यक्ति वो नहीं थे। बात चाहे अंग्रेजों से आजादी पाने की हो, चाहे आजादी के बाद के भारत को बनाने का हो, चाहे भारत के संविधान को बनाने का हो, 1931 में गांधी जी ने ही भारत का संविधान कैसा होना चाहिए उन्होंने अपने यंग इंडिया नामक अखबार में लिख दिया था। ठीक है, जिसमें पूरे गांधीयन प्रिंसिपल थे। तो गांधी जी ने आजाद भारत कैसा होगा उसकी भी सोच अहिंसा और सत्याग्रह की नींव पर रखी थी। जो दूसरे लोगों का मानना है कि गांधी जी प्रैक्टिकल नहीं थे और अहिंसा और सत्याग्रह पे हद से ज्यादा बल दिया गांधी जी ने। इग्नोर्ड पॉजिटिव साइड ऑफ मॉडर्निज्म, गांधी जी ने मॉडर्निज्म को आधुनिकता को सिरे से नकार दिया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आधुनिकता में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उसे भी गांधी जी को स्वीकार करना चाहिए और उसमें जो नेगेटिव है केवल उसकी बुराई करनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने आधुनिकता को सिरे से नकार दिया, ये गांधी जी की भूल थी, ऐसा उनके आलोचकों का मानना है। अपोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वाभाविक बात है आधुनिकता में जो सबसे बड़ी चीज थी वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, मशीनीकरण को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, और गांधी जी इन सख्त के सख्त खिलाफ तो नहीं थे लेकिन हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। यहां तक कि एक बार उनकी धर्मपत्नी बीमार पड़ गई कस्तूरबा गांधी जी, उसको एलोपैथिक डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आया तो गांधी जी ने कहा कि इंजेक्शन लगाना एक हिंसा है, इसलिए गांधी जी ने इंजेक्शन नहीं लेने दिया अपनी पत्नी को। तो वो विज्ञान के इस प्रकार से घोर विरोधी थे कि वो मानते थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हिंसा को जन्म देती है, इसलिए वो इसका विरोध करते थे। फॉट ओनली फॉर इंडियंस, खास करके दक्षिण अफ्रीका और जो आज के काले लोग हैं अफ्रीका के निवासी, वो गांधी जी को इस बात पर ब्लेम करते हैं कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने केवल वहां रहने वाले भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ा और वहां पर जो रह रहे काले लोगों के साथ और दुनिया के अन्य देशों में जो अफ्रीकी देश में जो काले लोग थे उनके हक में गांधी जी ने कोई आवाज नहीं उठाई और इसलिए गांधी जी को रेसिस्ट का दर्जा दिया जाता है कि आप नस्लवादी थे, केवल भारतीय नस्ल के लिए आपने काम किया, ऐसे आरोप लगते हैं। और अभी हाल फिलहाल के कई घटनाओं में घाना में गांधी जी की मूर्ति तोड़ दी गई, लंदन में गांधी जी की जो मूर्ति थी उसको सफेद पेंट से पोत दिया गया जिसमें यह दिखाने की बात की कि गांधी जी अंग्रेजों का समर्थन करते थे, सफेद नस्ल को बढ़ावा देते थे। इस प्रकार से गांधी जी पर कई आरोप प्रत्यारोप लगते जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी के विचारधारा में कॉन्ट्रडिक्शन है कई जगहों पर, जैसे इंपैरलिज्म, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे, यहां तक कि भारत जब वो आए तो प्रथम विश्व युद्ध में भी उन्होंने ब्रिटिश राज की वकालत की और भारतीय लोगों से कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए भारत के युवाओं आप ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने शुरू शुरू में इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया है, कॉलोनिज्म को बढ़ावा दिया है, अंग्रेजों को का पक्ष लिया है, लेकिन बाद के अपने विचारों में गांधी जी ने इंपीरियलिज्म का विरोध किया है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उनकी विचारधारा में कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, दूसरी बात विमेन, एक तरफ गांधी जी महिलाओं को शक्ति मानते हैं, देवी मानते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर महिलाओं को एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस में रहने की वकालत करते हैं, महिलाओं को केवल
प्रजनन के लिए उपयोगी मानते हैं, ये अच्छी नस्ल को पैदा करना महिलाओं का काम है, और महिलाओं के कॉन्ट्रासेप्शन का विरोध करते हैं, सेक्स का विरोध करते हैं। गांधी जी का मानना है सेक्स केवल प्रजनन के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए होना चाहिए, ये किसी लस्ट या एंजॉयमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन सब मनुष्य में एक फिजिकल नीड जो होती है, ठीक है, उनको इग्नोर करना, ठीक है, ये तमाम गांधी जी के दर्शन है। और कहा जाता है इसीलिए कि गांधी जी एक बहुत बुरे पति थे, ऐसा कुछ लोग अपना कमेंट करते हैं, तो खैर उनको पर्सनल लाइफ है। कुल मिलाकर के गांधी जी के एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण का, दूसरी तरफ महिलाओं के पिछड़ेपन का साथ साथ गांधी जी की विचारधारा में दर्शन मिलते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये विरोधाभास है गांधी की विचारधारा में। लेकिन गांधी जी ने पहले ही कह दिया है कि मैं भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण चाहता हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से, दुनिया में जो संस्कृति चल रही है, पश्चिमी संस्कृति चल रही है, उस नजरिए से नहीं है। स्टेट, गांधी जी अपनी एनार्किज्म की थ्योरी में राज्य को पूरी तरीके से नकार देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो वेलफेयर स्टेट को सही मानते हैं, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसे और भी कई विचारधाराओं में गांधी जी का कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिलता है। व्यूज ऑन विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज वर नॉट प्रोग्रेसिव। कुछ लोग कहते हैं कि आज के समय में महिलाओं के लिए जो विचार होने चाहिए गांधी जी के, वो विचार नहीं थे, ठीक है। महिलाओं के लिए जो प्रोग्रेसिव विचार होने चाहिए, खुलेपन, इकोनॉमिक्स और समाज और राजनीति के हर विषय में महिलाओं की भागीदारी, ऐसी तमाम मुद्दे हैं जिसमें कहीं कहीं गांधी जी थोड़े से पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट, गांधी जी ने अपने जो ब्रह्मचर्य को लेकर के जो प्रयोग किए, उस पर भी गांधी जी की काफी आलोचना की गई है, ठीक है। तो इनकी इन सारी विचारधाराओं के कारण जो भारत के कम्युनिस्ट थिंकर थे M.N. रॉय, साम्यवादी विचारक मानवेंद्रनाथ रॉय और डॉक्टर राधाकृष्णन, इन्होंने गांधी जी को कहा है मिडाइवल एटीट्यूड सेट ऑफ माइंड, यानी इनकी जो मस्तिष्क है उनका एटीट्यूड था गांधी जी का, इनकी जो मानसिक सोच थी वो मध्यकाल की थी। मध्यकाल माने बंद प्रकार का समाज, ठीक है, कुरीतियों से भरा हुआ समाज, ऐसा कुछ लोग गांधी जी पर कहते हैं। चलिए, 15वीं इनकी आलोचना है अनरियलिस्टिक। गांधी जी एक वास्तविक व्यक्ति नहीं थे, कल्पनाओं में जीने वाले व्यक्ति थे, अपने सिद्धांतों पर घोर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, वास्तविकताओं से उनका लेना देना नहीं था। विशेषकर इस संदर्भ में बात कही गई है कि गांधी जी ने हिटलर जैसे तानाशाह को चिट्ठी लिखा और गांधी जी ने प्रयास किया कि मैं इसकी अंतरात्मा को बदल दूंगा और ये नाजीवाद का रास्ता छोड़ करके ये मेरे अहिंसा के सिद्धांत पर आ जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं टल जाएंगी, ठीक है। ये गांधी जी की एक पूरी कल्पना रही। और इसी प्रकार गांधी जी ने अनेक कई चिट्ठी लिखे, कई लोगों को चिट्ठी लिखे, ठीक है, और वो वास्तविकताओं से परे रहते थे। उनको अपने अहिंसा और सत्याग्रह पर इतना विश्वास था कि उनको लगता था कि मनुष्य के हृदय को परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी मनुष्य को एक सद्गुणी व्यक्ति मानते थे, ये भी उनका एक दोष है कि उन्होंने मनुष्य के केवल एक ही पक्ष को देखा। मनुष्य दुराचारी होता है, उसके अंदर दुर्गुण भी होते हैं, गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। गांधी जी का कहना है कि मनुष्य दुर्गुणी हो सकता है लेकिन उसका अल्टीमेट कैरेक्टर है सद्गुणी होना, अर्थात हम उसकी आत्मा को जगाकर, उसके हृदय को परिवर्तन करके उसके अंदर के दुर्गुण को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक गांधी जी का एक विचार था। लैक ऑफ ओरिजिनैलिटी, गांधी जी की जो विचारधारा है उसमें कई धर्मों से और कई जगहों से, कई विचारधाराओं से चीजों को लेकर के इकट्ठा किया गया है, इसलिए लोग कहते हैं कि गांधी जी के जो विचार है वो ओरिजिनल नहीं है। मूलतः वो गांधी के विचार नहीं थे, उन्होंने कुछ विचार यहां से, कुछ विचार वहां से, कुछ हिंदुइज्म से, कुछ इस्लामिज्म से, कुछ क्रिश्चियनिटी से, ठीक है, कुछ लिबरलिज्म से, कुछ सोशलिज्म से लेकर के चीजों को इकट्ठा किया है, ठीक है। तो ये गांधी जी ने पहले ही कह दिया कि मेरी कोई विचारधारा नहीं है, ठीक है, तो ये आलोचना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम जब लिखेंगे तो बातें तो हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मेथड ऑफ सत्याग्रह वेरी डिफरेंट। गांधी जी का जो सत्याग्रह का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने 19 नियम बनाए थे सत्याग्रहियों के लिए, वो बड़े कठोर थे, ठीक है। हिंसा नहीं करना, धन का संचय नहीं करना, सात्विक जीवन जीना, वेजिटेरियन को अपनाना, ठीक है, ये तमाम गुण जो आज के मानव में संभव नहीं है, इसलिए वो वेरी डिफिकल्ट है। लेकिन जो आत्मसंयम के लोग हैं उनके लिए सही हो सकता है, ठीक है। गांधीयन इकोनॉमी कैन नॉट वर्क इन प्रैक्टिस। गांधी ने जो अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने आबकारी कर को गलत ठहराया है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को सही ठहराया है, ठीक है, ये तमाम सिद्धांत जो गांधी बात के हैं, क्योंकि आज कोई विदेश एक प्रॉपर टैक्सेशन के माध्यम से ही चलती है, बिना टैक्सेशन के काम नहीं कर सकती, बिना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल के आज दुनिया की इकोनॉमी नहीं चल सकती,
लेकिन गांधी जी के सिद्धांत में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, मॉरेलिटी है, नीड को फुलफिल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के समय में गांधी की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। फेवर्स कैपिटलिज्म, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अपने सिद्धांत में पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ने की बात नहीं की है। ठीक है, खासकर ये जो विरोध है ये मार्क्सवादियों का विरोध है कि गांधी जी ने पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की बात नहीं की है। गांधी जी ने कहा है कि मैं पूंजीवादियों का हृदय परिवर्तन करूंगा और पूंजीवाद और जो मजदूर वर्ग हैं वो मिलकर के रहेंगे, पूंजीवाद स्वेच्छा से अपना पैसा देंगे। लिबरलिज्म में माना जाता है कि पूंजीवाद स्वेच्छा से पैसा नहीं देंगे, सरकार उन पर कर लगाएगी। समाजवाद में माना गया है कि पूंजीवाद ही नहीं रहेगा। गांधी जी कहते हैं पूंजीवाद ही रहेंगे, वर्कर्स भी रहेंगे, लेकिन इन पूंजीपतियों का मैं हृदय परिवर्तन करूंगा और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लाऊंगा। तो कुल मिला के मार्क्सवादियों का कहना है कि गांधी जी एक प्रकार से पूंजीवादियों का ही समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर डिफरेंट। गांधी जी के सिद्धांत में रिलीजन और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीजें हैं। और रिलीजन विदाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन कैन नॉट वॉक टुगेदर। लेकिन आज के समय में धर्म और राजनीति को एकदम से अलग कर देने की बात कही जाती है, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि गांधी के धर्म का मतलब दूसरा धर्म है, और जिन्होंने आलोचना की है उनके लिए धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम और ये तमाम धर्म है। ठीक है, और गांधी जी पहले ही सेकुलरिज्म की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो गांधी के धर्म का मतलब है राजनीति में भी मोरालिटी के होने का अर्थ है धर्म का होना। लेकिन आजकल ये सब चीजें इररिलेवेंट हो गई है। यूटोपियन, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी महाकल्पनावादी व्यक्ति थे, उनके विचारों में कल्पना ज्यादा है, आदर्श ज्यादा है, रियलिटी कम है। ठीक है, तो ये तमाम गांधी जी की आलोचना है। ठीक, अब इस सारे आलोचनाओं का एक सार हम यहां पर देख लेते हैं। महात्मा गांधी बोर मैनी हैट्स टू मैनी पीपल। गांधी जी के जो विचार थे यदि हम उसको एक टोपी के रूप में देखें तो कहा जाता है कि गांधी जी हर अलग अलग व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग किस्म का टोपी पहने हुए थे। हिंदू ने देखा गांधी को तो उसको वो मुस्लिम अपीजमेंट करते नजर आए, गैर हिंदू लोगों ने गांधी को देखा तो उसको वो हिंदूवादी नजर आए, मार्क्सवादियों ने गांधी को देखा तो उसको वो पूंजीवाद का समर्थन करते नजर आए, पूंजीवादियों ने गांधी को देखा तो उनको समाजवाद का समर्थन करते नजर आए। ठीक है, महिलाओं ने देखा तो उनको गांधी जी पुरुषवादी दिखाई दिए। तो ऐसे तमाम जो है नजरिया, अलग अलग नजरिए से गांधी जी को लोगों ने देखा है, अपनी अपनी दृष्टि से गांधी को देखा है। गांधी को देखने के लिए गांधी की दृष्टि और उस समय की परिस्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह है गांधी जी, महात्मा गांधी बोर मैनी हैट्स टू मैनी पीपल। हर अलग अलग आदमी के लिए गांधी जी ने अलग अलग प्रकार का टोप या टोपी पहन रखी थी। हिज आइडियाज डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड ऑलवेज। स्वाभाविक बात है गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए थे वो अपने समय के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से दिया था। ठीक है, तो आज के समय में गांधी जी के सिद्धांतों की आलोचना ना हो ऐसा माना नहीं जा सकता। एंड सम ऑफ हिज बिगेस्ट क्रिटिक्स वर दोज हु वर्क्ड क्लोजली विद हिम। गांधी जी के सबसे बड़े आलोचकों में ज्यादातर वे लोग हैं जो गांधी के साथ रहकर के काम किए थे, बड़े उनके नजदीकी थे, जैसे कि अंबेडकर, नेहरू, बोस, सावरकर। ठीक है, ये तमाम पर्सनालिटीज जिन्होंने गांधी जी की आलोचना की है। और कैसे आलोचना की है, जब हम पर्टिकुलरली अंबेडकर भी पढ़ेंगे, नेहरू भी पढ़ेंगे, बोस भी पढ़ेंगे, सावरकर भी, तब हम देखेंगे कि उन्होंने गांधी जी की कैसे आलोचना की है। यहां मैं शॉर्ट में बता देता हूं, एक एक लाइन में। अंबेडकर का विचारधारा गांधी जी से दो बातों में नहीं मिलता था, पहली गांधी इकोनॉमिक्स और दूसरे गांधी का कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम। गांधी जी वर्ण को बनाए रखना चाहते थे, अंबेडकर उसको खत्म करना चाहते थे। गांधी जी विलेज इकोनॉमी को प्रेफर करते थे और अंबेडकर अर्बन इकोनॉमी को करते थे। ठीक है, नेहरू, नेहरू के साथ काफी विचारधाराओं में अंतर थे, खास करके गांधी जी जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकरण, उसके विरोध में थे और नेहरू उसके समर्थन में थे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हमेशा अहिंसा अहिंसा ठीक नहीं है, कभी कभी अहिंसा के सिद्धांतों को रोक भी देना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल उपयोग करना चाहिए। गांधी जी कहते थे परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अहिंसा अहिंसा होती है। ठीक है, तो गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान का साथ देना, सत्याग्रह और जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें हिंसा के कारण जो चौरा चौरी कांड हुआ था आंदोलन का वापस ले लेना, ऐसे कई अर्थों में गांधी जी और जो सुभाष चंद्र बोस है वो एक दूसरे के विपरीत थे। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, ये कट्टर हिंदुइज्म का सपोर्ट करते थे, लेकिन गांधी जी के हिंदुइज्म का मतलब था सबको मिलाकर के रखना। ठीक है, सावरकर के हिंदुइज्म का मतलब है जो भारत की बात करेगा वो हिंदू है। ठीक है, सावरकर ने भी कट्टर हिंदुइज्म की बात नहीं की है, लेकिन वो कट्टर इस अर्थ में थे
कि हिंदुइज्म के प्रिंसिपल को जो अपनाएगा और जो हमेशा भारत की बात करेगा वही हिंदू है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मतभेद थे। गांधी ऑन हिज ओन क्रिटिसिज्म, गांधी जी ने खुद अपनी आलोचना पर क्या कहा है वो देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल लिसेंड टू मी बिकॉज आई शोड देम हाउ टू गिव फाइट टू द ब्रिटिश विदाउट आर्म्स। गांधी जी कहते हैं एक समय था जब लोगों के पास हथियार नहीं थे, हथियार नहीं थे मतलब उनके पास तौर तरीके नहीं थे, रणनीति नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी कि वो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़े। उस समय में मैं आया और लोगों को सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह इन तमाम तरीकों के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ने का तरीका बताया। उस समय लोग मेरी बात सुनते थे क्योंकि तब उनके पास कोई रणनीति नहीं थी, कोई हथियार नहीं था। लेकिन जैसे ही लोगों के पास वास्तव में हथियार आने शुरू हुए, हथियार का युग आ गया, तब उन्होंने मेरी बात सुननी बंद कर दी, ठीक है। तो ये उनका उनकी आलोचना है और गांधी जी ने खुद इसमें कहा है, ठीक है। बट टूडे आई एम टोल्ड दैट माई नॉन वायलेंस कैन बी ऑफ नो अवेल अगेंस्ट प्रेजेंट इश्यूज। आज मुझसे कहा जाता है कि आपके अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत आज के वर्तमान समस्याओं के हिसाब से ठीक नहीं है। देयरफॉर इसलिए गांधी जी कहते हैं कि पीपल शुड आर्म देमसेल्व्स फॉर सेल्फ डिफेंस। अतः आप लोगों को अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने हिसाब से जो हथियार उचित लगे वो चुन लेना चाहिए। अगर मेरा सिद्धांत रिलेवेंट नहीं है कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये गांधी जी के अंतिम समय के विचार है, ठीक है। तो कुल मिलाकर गांधी जी के कहने का मतलब था कि जब लोगों के पास हथियार नहीं थे तो मैंने उन्हें हथियार दिया और वो मेरी बात मानते थे, लेकिन जब उनके पास खुद हथियार आ गए, यानी जब वो खुद मेरी रणनीति से परिचित हो गए और उनके पास वास्तव में जो हथियार होने चाहिए, तलवार, भाला, तोप, बंदूक, सेना, ये सब आ गई, तो उन्होंने मेरी बात सुनना बंद कर दिया और उन्हें मेरी विचार अप्रासंगिक लगने लगे। कंक्लूजन, चलिए हम निष्कर्ष में देखते हैं कि गांधी जी के जो रेलेवेंस है, उनका जो इंपॉर्टेंस है, उनकी क्रिटिसिज्म है, दोनों का हम तालमेल बिठाते हैं। चलिए, क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी एंड हिज व्यूज, यानी कि गांधीज्म, आर ऑफन पेटी एंड मिस द बेसिक पॉइंट्स। ये कुछ महान राजनीतिक हैं दुनिया और भारत के, कुछ महान इतिहासकार हैं और जो कुछ महान बुद्धिमान हैं उनके मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिखे हैं, उनके नाम मैंने नहीं लिखे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ जो बड़े विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि गांधी और गांधीवाद की जो लोग आलोचना करते हैं वो उथले इलादल पर गांधी का अध्ययन करते हैं, ठीक है, बल्कि वो दया के पात्र हैं जो गांधी की आलोचना करते हैं, क्योंकि गांधी जी की आलोचना जो उन्होंने किया है वो बेसिक पॉइंट पर आधारित है। उन बेसिक पॉइंट्स के पीछे छुपे हुए जो रहस्य है, उनकी जो भावना है, वो उनसे परिचित नहीं है। यानी कुल मिला के गांधी का विरोध करने वाले लोग गांधी के कंटेंट के आधार पर विरोध करते हैं बिना उसके इंटेंट को समझे हुए। दूसरी बात है, एक स्टेटमेंट है शेक्सपियर के मैकबेथ नॉवेल का, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, ड्रामा लिखा था मैकबेथ, उसमें यह स्टेटमेंट है, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ अपने कर्मों से महानता को प्राप्त करते हैं, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन हिम, और कुछ लोगों पर महानता लाद दी जाती है। तो महान तीन प्रकार से हो सकते हैं। पहला, एक महान पैदा ही हुई, कहते पूत के पांव पालने में दिख जाती है, तो कुछ लोग महान ही पैदा होते हैं। अब ऐसे लोगों की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं उदाहरण के लिए बुद्ध है, महावीर है, हालांकि ये अपने कर्म से बने, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन दुनिया में और ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो एक करिश्माई टाइप के व्यक्ति होते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा बन गया, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, उसमें उनका कोई ग्रेटनेस नहीं था, ठीक है। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और तब जाकर के महान बनते हैं, और इसमें उन्हें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, आलोचनाओं को झेलना पड़ता है, और तब अपने कर्मों के माध्यम से वो महान बनते हैं। ऐसे उदाहरण में आप मान सकते हैं, मैं यहां पर फिर से नाम लूंगा, बुद्ध और महावीर और गांधी, ये ऐसे लोग थे जो अपने कर्मों से महान बने हैं। और तीसरे लोग भी होते हैं जिन पर महानता लाद दी जाती है, ठीक है, वो अपना अपने चारों तरफ अपना एक चाटुकार लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं और धीरे 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 वो उनको प्रमोट करते रहते हैं और एक दिन वो व्यक्ति महान कहलाने लगता है, ठीक है। तो तीन प्रकार से महानता प्राप्त की जाती है। गांधी जी इनमें से दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने कर्मों, अपने प्रयासों के माध्यम से महानता प्राप्त की है, अर्थात उनकी महानता को वही व्यक्ति समझ सकता है जो खुद अपने जीवन में इन प्रकार के सिद्धांतों पर चला हो, इन प्रकार की परिस्थितियों को जानता हो, समझता हो, ठीक है। तो जो घर में एसी रूम में बैठ करके गांधीवाद पढ़ते हैं
उदारवाद पढ़ते हैं, मार्क्सवाद पढ़ते हैं और फिर वो इन सबकी आलोचना करते हैं, तो उनके इस सिद्धांत के हिसाब से उनकी आलोचना सही नहीं है। ही वॉज इम्परफेक्ट। गांधी जी एक विद्वान है जो कहते हैं कि गांधी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं परफेक्ट हूं। गांधी ने कहा कि मनुष्य में सदैव सुधार की आवश्यकता और गुंजाइश बनी रहती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो एक विद्वान व्यक्ति ने कहा है ही वॉज इम्परफेक्ट, वो पूर्ण नहीं थे, वो अपूर्ण थे, लेकिन उनकी महानता इस बात में थी बट ही केप्ट स्ट्राइविंग टुवर्ड्स बिकमिंग बेटर। लेकिन वो सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहे और अपने अंदर अच्छे गुणों को समावेश करके परफेक्ट बनने की दिशा में काम करते रहे। जैसे जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके विचार कुछ अलग थे, भारत में आए तो उनके कुछ विचार बदले, यानी उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, और जब जीवन के अंतिम चरणों में थे 45-46-47 के समय तो उनके विचारों में और ज्यादा परिवर्तन आया और उन्होंने अपने आप को और ज्यादा अपडेट किया। ठीक है, तो इम्परफेक्टनेस हर व्यक्ति का गुण है, लेकिन महानता इस बात में है कि हम उसी इम्परफेक्टनेस को पकड़ के बैठ जाते हैं, यह महानता नहीं है। महानता यह है कि हम परफेक्ट होने की दिशा में सदैव कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार गांधी जी के सिद्धांत भी हो सकता है कहीं कहीं आज के समय के हिसाब से परफेक्ट ना हो, लेकिन उनको बदले हुए समय में हम उसको परफेक्ट किया जा सकता है। टुडे एवरीवन ट्राइंग टू बोरो द गांधीयन हॉल। अगर कुछ लोग कहते हैं कि गांधी अप्रासंगिक है, गांधी के सिद्धांत ठीक नहीं है, तो आज दुनिया में हर जगह लोग गांधी के आभामंडल में अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं, मैं गांधीवादी हूं ये कहते हैं, गांधी के नाम से जयंती मनाई जाती है, गांधी के नाम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े समारोह होते हैं, गांधी की मूर्तियों का अनावरण किया जाता है। तो हर आदमी अपने आप को गांधीवादी होने का दंभ भरता है। इसका मतलब हम सब गांधी के आवरण में अपने आप को छुपाना चाहते हैं, लेकिन गांधी के सिद्धांतों को नहीं मानते, अर्थात फिर गांधी की आलोचना बुरी है, यानी कि आप सही तथ्यों पर गांधी की आलोचना नहीं कर रहे। ठीक है, सेंट शुड ऑलवेज बी जस्ट गिल्टी अंटिल दे आर प्रूव्ड इनोसेंट। एक थिंकर है जिन्होंने यह कहा कि हमारी गलती यह थी कि हमने गांधी को एक मानव नहीं माना, हमने गांधी को एक संत मान लिया, एक महामानव मान लिया, और महामानव के द्वारा किया जाने वाला कोई भी ऐसा कार्य जो वर्तमान रीति रिवाज या परंपरा के विरुद्ध होती है, हम उसको दोषी मानने लग जाते हैं, क्योंकि हम महात्मा से, संत से ऐसे आचरणों की अपेक्षा करते हैं जो प्योरिटी का लक्षण हो, उससे हम मानवीय गुणों की अपेक्षा नहीं करते। हमें लगता है संत है मैंने, ये खाता भी नहीं होगा, ये सोता भी नहीं होगा, इसके अंदर कोई बुराई भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम संत का एक ऐसा पिक्चराइजेशन कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई गुण होगा ही नहीं, हम ये मान लेते। लेकिन महात्मा गांधी ने ना तो खुद को महात्मा कहा ना खुद को संत कहा, ये तो लोगों ने उनको ऐसा पिक्चराइजेशन कर लिया और हम उनको एक संत की दृष्टि से देखने लगे, इसमें हमारी गलती है। अब चूंकि वो संत तो रहे नहीं कि हम उनकी गलती निकालें और वो अपने आप को मैं गिल्टी नहीं हूं ये प्रूव करने के लिए काउंटर करें। ठीक है, तो गांधी जी की आलोचना इस बात पर है कि हमने उनको संत के रूप में देखा और हमने उनके ऊपर कुछ गलतियां लाद दी कि आपसे ये गलती हुई, आपकी ये आलोचना है। अब चूंकि वो व्यक्ति खुद नहीं है, ठीक है, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी को समझने के लिए हम उन्हें मानव समझे, संत से थोड़ा बाहर निकले, संत की दृष्टि से गांधी को देखेंगे तो उनके कई कृत्य हमको स्वाभाविक बात है ठीक नहीं लगेंगे। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति थे, व्यक्ति गलती करता है। द अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म हीप्ड ऑन द महात्मा वाज सिंपली नॉट बेस्ड ऑन हिस्ट्री। इरफान हबीब, ठीक है, अब ये 2020 की बात है, एक लेक्चर दे रहे थे इरफान भाई, तो वहां पर उस लेक्चर में उन्होंने ये बताया कि गांधी की रिलेवेंसी क्या है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो गांधी के आलोचक है वास्तव में वो इतिहास के संदर्भ में गांधी की आलोचना नहीं करते। इतिहास माने गांधी ने जिन परिस्थितियों में, जिन कालखंडों में अपने सिद्धांत दिए थे, हमें उनको उन सिद्धांत को उन परिस्थितियों में समझना पड़ेगा। आज की परिस्थिति में अगर हम उसको समझेंगे तो हो सकता है कुछ जगह पर हमारे और मतलब जो वर्तमान व्यवस्था है और गांधी की विचार तालमेल ना खाते। ठीक है, तो हमें उस समय के हिसाब से गांधी की विचारधाराओं को समझना है और आज की परिस्थिति में उसको अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई विद्वानों को करना चाहिए। ठीक, हिज क्रिटिक्स एक्सपेक्ट गांधी टू हैव बिहेव्ड लाइक बी वुड टुडे। कुछ लोग गांधी जी को इसलिए आलोचना करते हैं कि वो ये मानते थे कि जैसे आज हम व्यवहार करते हैं अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में, वैसे ही गांधी को भी व्यवहार करना चाहिए था।
अर्थात गांधी को संत प्रकृति का नहीं होना चाहिए था, कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो महामानव के लिए होते हैं, मानव के लिए नहीं। तो कुछ लोगों की आलोचना इसलिए है क्योंकि हम मानव हैं और गांधी जी के सिद्धांत हमारे लिए समझ में नहीं आते, क्योंकि वो महामानव लेवल की बात करते थे। वो मनुष्य को सही अर्थों में एक सुंदर मनुष्य, एक वास्तविक मनुष्य बनाने की बात करते थे, जो आज के जानवर प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए ठीक नहीं हो, क्योंकि आज सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, सत्याग्रह का पालन करना, कोई शत्रु हमें मारे और हम दूसरा गाल भी दे दें, ये सारे सिद्धांत आज रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक, इतने ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक और इतने ज्यादा एथिक्स और मॉरेलिटी से दूर हो चुके हैं, इसलिए गांधी के सिद्धांत हमको रिलेवेंट नहीं लगते। ठीक है, गांधीयन गांधीजम पास रिलेवेंट इज रिलेवेंट एंड वुड बी रिलेवेंट। तो निष्कर्ष पर हम यही कह सकते हैं कि गांधी के सिद्धांत उस समय भी सार्थक थे, उस समय भी रिलेवेंट थे जब दिए गए थे, आज भी है और आने वाले समय में भी होंगे, क्योंकि गांधी ने जो बातें कही है वो सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कही गई है। और एक दिन हम सब को अपने जीवन में, जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं, तो गांधी जी के सिद्धांत हमें अपने आप सही लगने लगते हैं। हम अपने बच्चों को समझाने लगते हैं, बेटा मारपीट करना ठीक नहीं है, बेटा अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो बच के निकल जाओ। ये तमाम सिद्धांत गांधी जी के हित तो हैं, लेकिन जब तक हम यंग अवस्था में हैं, जब तक हम एनर्जी से फुल हैं, अपने स्वार्थ से फुल हैं, हमारा हाथ पांव शरीर चल रहा है, हमारा मस्तिष्क सक्रिय है, हमारे पास पैसा है, हम गांधी के विचारों को नहीं समझ सकते। उसके लिए जब परिस्थितियां आएंगी तो गांधी अपने आप हमें समझ में आने लगेगा और गांधी की रिलेवेंसी हमें अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग गांधी की आलोचना और उसका डिस्कस समाप्त करते हैं। अंतिम वीडियो मैं आपको गांधीवाद पे दूंगा, जिस पर गांधी जी के जो मोरल प्रिंसिपल थे उसका गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यानी राजनीति में कैसे उसका प्रयोग किया, ये एक अंतिम होगा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आखिरी वाला। ठीक है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं वो ये होते हैं कि गांधी जी ने इन सिद्धांतों का प्रयोग राजनीति में कैसे किया और आपने इन सिद्धांतों को कैसे देखा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।